हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। अभी कुछ बिहार के रसोइया हैं जो अपना दुख दर्द इस चैनल द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से भारत सरकार के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष पहुंचाने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले उनका परिचय हो। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, ग्राम तिसवारा, पंचायत सारंगपुर पश्चिमी, प्राथमिक विद्यालय तिसवारा कन्या के रसोइया हूँ, ब्लॉक मोड़वा, जिला समस्तीपुर के अंतर्गत। मेरा नाम भुवनेश्वर पासवान है, ग्राम पोस्ट राजाजान, थाना मोहिद्दीनगर, जिला समस्तीपुर के स्थायी निवासी हूँ, राजकीय मध्य विद्यालय राजाजान के कार्यरत रसोइया हूँ। मेरा नाम सोया देवी है, मैं रसोइया हूँ, प्राथमिक विद्यालय लोदीपुर नारायण की रसोइया हूँ। मेरा नाम मुनीता देवी है, शाहपुर बराट घर है, शेषनाग मंदिर विद्यालय को रसोइया हूँ। मेरा नाम राम परी देवी है, शिवरा विद्यालय स्कूल की रसोइया हूँ। मेरा नाम संगीता देवी है, मैं शिवरा से, मध्य विद्यालय शिवरा से बोल रहे हैं, मंदिर स्कूल से। मेरा नाम ललिता देवी है, चकसाओ भुया स्थान से बोल रही हूँ, मध्य विद्यालय भुया स्थान से के रसोइया हूँ। मेरा नाम इशरत खातून, मैं रसोइया हूँ, शिवरा मध्य विद्यालय। मेरा नाम मीना देवी है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवरा का रसोइया हूँ। मेरा नाम उषा देवी, शिवरा ठाकुरबाड़ी के रसोइया। हमारा नाम है लक्ष्मी देवी, हम अरैया के रसोइया हैं, हमारा घर अरैया, थाना पटोरी, शिवरा पोस्ट ऑफिस समस्तीपुर है। सुनीता देवी, शिवरा के रसोइया हैं। मेरा नाम रंजू देवी, भुया थान से रसोइया आए हूँ। मेरा नाम गीता देवी है, हमारा या स्कूल से बोलते हैं रसोइया है। हमारा नाम है संसरिया देवी, आप बिचला टोला के रसोइया है। हेलो, हमार नाम है धर्मशीला देवी, रैया घर है पुरवारी टोला, हम रसोइया है। मेरा नाम कविता देवी है, मैं राजकीय विद्यालय शिवरा स्कूल से रसोइया हूँ। हम कुमारी देवी है, हम रसोइया है, राजकीय विद्यालय का हम रसोइया है। हम इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे बिहार सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहूँगा और मेरा ये अनुनय निवेदन होगा कि वो हम लोगों का रसोइया का दुख दर्द को देखते हुए और उस दुख दर्द के हिसाब से उस पर मैं अपना जो है सो सहानुभूति प्रकट करते हुए रसोइया का जो मानदेय होना चाहिए वो अभी कम से कम 18,000 रुपया, वो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये वही सरकार जो फिक्स किया है मजदूरी, हमको सिर्फ उनके मुताबिक वो मजदूरी मिलना चाहिए। और वैसे सरकार अगर यदि सहानुभूति प्रकट करना चाहे तो बिहार सरकार किसी भी इंदिरा आवास आता है वो रसोइया को पहले मिलना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चे को भूखे पेट छोड़ करके और आकर के विद्यालय में बच्चों को खाना बना के खिलाने का काम कर रही है यही रसोइया। आज अगर यदि हमारे स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं ये चाहें तो हर एक रसोइया को सबसे पहले स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध हो। आज हमारे बहुतों रसोइया कहीं आग में जल गए, कहीं किन्हीं के ऊपर भात गिर गया, दाल गिर गया, वो जल करके उनका नौकरी तो गया ही,
प्लस ऊपर से दवा का खर्च के अभाव में जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो चाहे और जिस हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन किया है, उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ रसोईया के साथ भी आवे और सबसे पहले इसको स्वास्थ्य कार्ड देने का काम करें कि अगर यदि कभी एक बीमार पड़ा, किसी ढंग का घटना हुआ, तो उसका इलाज इसको जो है सो फ्री फंड होना चाहिए रसोईया को। इसी के लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से ये आग्रह करते हुए और उनको एक जगाने का काम करना चाह रहा हूँ। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोग बिहार के रसोईया चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों को हाई कोर्ट में केस फाइट करना होगा। अब हम उसके लिए भी कमर कस रहे हैं, जैसे कि आंदोलन की शुरुआत मोहद्दी नगर से शुरू किया, वहाँ से होते हुए पतसिया नंबर घाट करते हुए मोड़वा में भी कर चुके हैं पुरुषोत्तमपुर, और अभी यहाँ आ गए हैं सिवड़ा में रसोईया को एकत्रित। क्या सरकार हमारा अंधा है? आज 1 जनवरी के अवसर पर हर एक आदमी, कोई अभी टीचर है, MLA है, MP है, मुखिया है, उनका बाल बच्चा अभी ऐशो आराम के साथ खाता होगा। और हमारे रसोईया भाई बहन आज ठंडा के मौसम में नया साल के अवसर पर फिर भी हम लोग अपने को एकत्रित करने में इस ठंड के मौसम में भी जुटे हुए हैं और एकत्रित करके सरकार से उस सहानुभूति मांगना चाह रहे हैं। और सहानुभूति नहीं, रसोईया का जो अधिकार है ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। यही हमारी माननीय अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, जो कि कहने के लिए तो बहुत बड़े प्रधानमंत्री और बहुत कुछ किए, लेकिन रसोईया के मद में उन्होंने जो 10 में शुरू किया 750 रुपया देने का काम, क्या अभी तक उनके लिए कोई महंगाई नहीं आया है? 10 से लेकर के अभी तक उन्होंने सिर्फ 750 देने का काम कर रहे हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो रसोईया को दुख दर्द को सुनते हुए और देखें। प्रधानमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी एवं मुख्यमंत्री नीतीश जी देखें कि अभी जो है सो रसोईया को आंध्र प्रदेश में 3,000 रुपया दिया जाता है, वहाँ का स्टेट सरकार अपने तरफ से वो देख रहा है कि रसोईया जिस लगन से काम कर रहा है, आज अगर यदि शिक्षा में विकास हुआ है तो विद्यालय में वो रसोईया के थ्रू हुआ है। बसरते टीचर तो आए सिर्फ पढ़ाने के लिए, लेकिन रसोईया को तो उससे पहले भी आके और विद्यालय में गेट खोलने का काम, उसका जो है सो साफ सफाई का काम पूरा करना पड़ता है। एक आग्रह और ये भी है कि रसोईया को काम क्या क्या करना है ये शेड्यूल वो भेजे, ये शेड्यूल हर एक जगह उपलब्ध हो। वैसे कहने के लिए कोई टीचर कहते हैं लैट्रिन में पानी रखिए, कोई टीचर कहते हैं, इसके बावजूद सबसे सब सर्वनाक बात तो ये है कि जो खाना बच्चे को खिलाने के बाद बच गया वो भी रसोईया अगर यदि ले जाती है तो कुछ टीचर मना करते हैं कि आप ये खाना नहीं ले जा सकते हैं, ये खाना आप गड्ढे में फेंक दीजिए, पोखरी में गिरा दीजिए, ये आपके लिए नहीं बना है। कम से कम ये सब सहूलियत कुछ रसोईया को भी तो होना चाहिए। जब हमारे हर एक समाज सेवक के पास सहूलियत है, सब कुछ है, रसोईया के लिए सरकार क्या देने का काम किया है? सिर्फ उसे कहने के लिए तो हम महिला उत्थान कर रहे हैं, योजना तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया कि इससे महिला का विकास होगा, लेकिन वो विकास नहीं, वो गौर फरमा के देखें और सोचने का काम सोचें कि रसोईया अब इसमें अभी लगभग 2 लाख महिला रसोईया है, क्या वो 2 लाख रसोईया जो है सो उत्थान हुई है कि उसका शोषण सरकार के थ्रू किया जाता है? आम आदमी के थ्रू शोषण नहीं है, ये सरकार के थ्रू शोषण किया जाता है। हम ये बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से बार बार आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस शोषण को दूर किया जाए, रसोईया को प्रेरित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इसे वो प्रताड़ित करना बंद किया जाए, तब तो हमारा शिक्षा की नीति में आगे बढ़ेगा। पंजाब में भी वहाँ का बिहार अपना सरकार जो है वो 3,000 रुपया दे रहा है, मध्य प्रदेश भी दे रहा है 2,000, कर्नाटक में 3,500 रुपया है। और सबसे सब अभी अगर यदि महिला को के नाम पर या रसोईया के नाम पर
सरकार दे रहा है तो वो केरल सरकार है जो हर एक रसोईया को 675 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दे रहा है। क्या हमारा सरकार ये नहीं जान रही है कि कहाँ क्या पेमेंट है, हम क्यों इतना कम दे रहे हैं, क्यों रसोईया से दबाव दे कर खटाया जा रहा है, प्लस ऊपर से उसे सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ शोषण। इसलिए ये शोषण को बंद किया जाए। उत्तराखंड भी 3000 रुपया वहाँ का सरकार बेयर कर रहा है। क्या हमारा सरकार ये बात नहीं जानता है, जान रही है कि वहाँ 3000 है, उत्तर प्रदेश में भी 2000 से अभाव है और बिहार में मात्र 1650, और वो भी 1650 ही नहीं, सिर्फ कहने के लिए 1650। जैसे कि एक कहावत है कि अंधे को बायोस्कोप दिखला दो हो गया, ये दूध मुहा बच्चे को आया तो रो रहा है, चुसनी में दूध थोड़ा दे दो चुप हो गया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हम 1650 दे रहे हैं, लेकिन वो भी साल में सिर्फ 10 महीना। ये कहाँ का न्याय है? वही टीचर हैं हमारे साथ आते हैं, काम करते हैं, उनको 12 महीने में 12 महीना का पेमेंट दिया जाता है। वैसे तो कुछ विभाग में जो इमीडिएटली है, हम लोग भी इमीडिएटली ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन के टाइम में भी आके हम लोगों को दबाव के साथ खाना बनवाने का काम किया जाता है, लेकिन आज तक किसी रसोईया को ना ही तो वो इलेक्शन टाइम हो या कोरोना काल हो उसका कोई मुआवजा मिला है, और ना ही तो उसका कोई विशेष TABA का प्रावधान दिया जाता है। सिर्फ खटनी हम लोगों के पास है। सरकार इस बात को गौर से सुने और देखे और इस पर मैं अपना विचार करते हुए रसोईया के प्रति उसका जो हक है वो हक देने का काम करे। नहीं अगर यदि कर रही है तो फिर यही रसोईया उनको जो है सो गद्दी पर बिठाने का काम किया है, और यही रसोईया उनको गद्दी से उतारने का भी काम करेगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, रसोईया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री महोदय, हम आपको आगाह दिलाना चाहते हैं कि हम बिहार के हम भी रसोईया है। हम लोग के भी चयनित किया गया 2005 में, 2005 से अभी तक ला हम लोग के जैसे के तैसे है। हम यही आपसे आग्रह विनती करना चाहते हैं कि हम लोग के मानदेय के लागू करें, और करते हैं काम 10 महीना, 12 महीना या दाम मिलता है 10 महीना, ये कहाँ के शोषण है, कहाँ के नीति है? और स्टेट में देखा जा सकता है जो राज्य सरकार अपना भरपाई कर रहे हैं, जैसे केरला हुआ, वहाँ के देखिए केरल सरकार जो है से 675 रुपया तक ला भरपाई कर रहा है। उसी तरीका से आप भी तो स्टेट सरकार है, आपको बढ़ाने का तो प्रावधान है। इस पर हम लोग किसान बुझ जमाए नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग पूरे बिहार में गोलबंद करने जा रहे हैं, और मेरा रसोईया गोलबंद है हर जिला, हर मोहल्ला, हर ग्राम, हर पंचायत में। मेरे ही रसोईया के बदौलत आप बिहार के गद्दी पर, पटना के गद्दी पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी, अगर हम लोग के दुख दर्द नहीं सुनते हैं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जैसे मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपको झुका करके रहेंगे। नहीं तो हम लोग के बाल बच्चा जो है सेकिन से भुखमरी का शिकार होता है, इसका प्रावधान करें, और हम लोग के 12 महीना का 12 महीना लागू करें, न तो आने वाला दिन में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। रसोईया बहुत कलप रही है, बहुत जो है से बेचित्र है स्थिति बना हुआ। इसमें देखा जा सकता है 90% महिला है, कहते हैं जो हम महिला के उत्थान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से महिला पढ़ाएगी रसोईया परिवार का? इसका 1650 में कुछ होने वाला है, 1 महीना से सही से सब्जी भी नहीं चल पाता है, अब भोजनालय कहाँ से होगा? ये विचार करने की बात है, गौर करने की बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हम लोग को विचार करें, और जो है से 2023 के शुभकामनाओं पर हम लोग के भी सहानुभूति के तोहफा दे, नहीं तो हम लोग जो है से कि ना से आने वाला दिन में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग करेंगे, मरेंगे, धरेंगे, लड़ेंगे, जैसे होगा राज्य सरकार से लेकर केंद्र तकला हम लोग जो है से जाएंगे। बिहार के सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाने के लिए कमर कस लिए हैं। मेरा रसोईया से आग्रह है, बिहार के रसोईया से, मेरा नंबर है 7808-1687-87, इस पर संपर्क करें। हम लोग जैसे बिहार के गद्दी से, बिहार के हाई कोर्ट जाने का
प्रावधान बना चुके हैं, अब हम लोग से बर्दाश्त होने वाला नहीं है। 2005 से हम लोग बैठे हुए कि अभी तकला हम लोग बुढ़ापा होने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के बाल बच्चा अभी भुखमरी का शिकार होते जा रहा है। इस पर राज्य सरकार अभी तकला कोई सहानुभूत नहीं जमाए हैं। 150, 150 रुपया कहाँ का नीति है, कहाँ का नियम है? हमसे पीछे आया टोला सेवक, उसको देखा जाए जो कितना से कितना अखनी 10,000-12,000 रुपया है। हमसे पीछे आया रात्रि पहरदारी वाला, 5,000 से लेकर 8,000 तक ला उसको बहाल किए, लेकिन रसोईया को देखने वाला नहीं है। सारा सारे आम रसोईया जो कि मर रहा है, बिलट रहा है। अगर आप महिला के उत्थान करते हैं तो रसोईया के, महिला के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उत्थान करते हैं तो रसोईया के, ये 2 लाख परिवार का जो कि बच्चा भुखमरी का शिकार होता है, उस पर जो है से आप सहानुभूत जमाइए, तभी आपका बिहार विकसित होगा। नहीं तो बिहार विकसित नहीं होने वाला है। आप कहते हैं बिहार के हम विकसित कर रहे हैं, क्या बिहार के विकसित कर रहे हैं? आप देखिए धरातल पर शहर जमीन पर उतर के रसोईया के बदन पर कपड़ा नहीं है, सही सलामत से रसोईया के भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। आप कहते हैं हम रसोईया के हम उत्थान करते हैं, ये सब जुमलाबाजी आप कर रहे हैं, लेकिन जुमलाबाजी नहीं चलेगा। आने वाला दिन में रसोईया आपको जवाब मांगेगा, लेकिन अखनियों से कमर कसिए, अखनियों से तेजस्वी जी आप नजुमक है, हम लोग पर दया कीजिए। आप ही को घर का बहू है, आप ही को बहन है, इस पर दया कीजिएगा तो इन लोग का दुआ आपको मिलेगा। आने वाला दिन में आपका जो है से पीएम के सीएम का आप जो देखते हैं ख्वाब निश्चित पूरा होगा, नहीं तो समय आएगा जो आपको बताएगा। हम लोग बहुत दिन से सेव करके रहे हैं, जो हम लोग भी सरकार के नौकर है, भले ही पैसा कम है लेकिन नौकर है, लेकिन इसमें क्या है? आप सोचिए, 1 महीना आपका चाय का भी नहीं पैसा पूर पाएगा, लेकिन उसमें हम लोग के बाल बच्चा का प्रतिपाल हो रहा है। इसीलिए इस पर गौर कीजिए, विचार कीजिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी लालू जी, उनसे भी हम आग्रह करते हैं, ये तेजस्वी महोदय के उनको कहिए रसोईया के उत्थान करने के लिए। महिला के उत्थान करते हैं तो रसोईया के उत्थान कीजिए, तब बिहार के उत्थान कीजिएगा, बिहार सुधरेगा, नहीं तो बिहार और ध्वस्त होते जा रहा है। वो बोलने से नहीं होगा, शहर जमीन पर उतरने से होगा। धरातल पर उतर के देखिए ये क्या स्थिति है बिहार के गली में मोहल्ला में, तब समझिएगा जो सही बोल रहे हैं भुवनेश्वर जी, वो गलत बात नहीं बोल रहे हैं। अभी आपसे हम लोग से पीछे आए, फिर निकाल रहे हैं आप क्या कहते हैं सुपरवाइजर का, प्यून का, उसमें रसोईया का प्राथमिकता दिया जाए, उसमें जो है रसोईया का जो कि प्राथमिकता दिया जाए, जो अच्छे है वो अपना कर सके, उसके बाद एक किसी को दिया जाए, और तभी आपका बिहार विकसित होगा, ना तो बिहार विकसित नहीं होने वाला है। आने वाला दिन में हम लोग जो गोलबंद कर चुके हैं और जो है आपको जा रहे हैं हाई कोर्ट के ओर, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे चाहे जो हो जाए, ना तो इस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। गौर करने की बात है, हर टोला हर मोहल्ला में अखनी चल रहा है भुखमरी का शिकार। वो 5 किलो गेहूँ चावल से हम लोग के कुछ होने वाला नहीं है, वो भी अरवा चावल मिलता है, मेरा रसोईया खाती है ना सही से फेंक देती है। आई ठंड के मौसम में उसका देखिए तो एकदम बुखार लगा हुआ रहता है। इसीलिए महिला के उत्थान करते हैं तो जो आपका केंद्र सरकार का निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट का, वही हमको भुगतान करे। खाएं आप मजदूर हमको समझते हैं कि कर्मचारी, अगर कर्मचारी अगर समझ रहे हैं तो जो आप कानून बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो 18,000 रुपया होना चाहिए वो हमको लागू करे, और नहीं तो आप ही का केंद्र सरकार का दैनिक मजदूरी है 350 रुपया वो हमको 10,500 रुपया भुगतान करे, नहीं तो हम लोग जो है से अब ऐसे में हम गोलबंद कर चुके हैं। हर बिहार के कोने कोने में हम लोग का ये अभियान चल रहा है, अभियान चल के उसके बाद जनवरी के अंदर में हम लोग जो है से कि न से हाई कोर्ट के गेट खटखटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरा पूरा बिहार के रसोईया से आग्रह है कि इस पर एकदम पूरे सहानुभूत जमाइए, और मेरा नंबर है 7808-16-87-87, इस पर संपर्क कीजिए। जय रसोईया, जय बिहार। हम लोग सरकार को सुनाने जाने के लिए तैयार है। सारा 2 लाख रसोईया बहन भाई सबन है, सब बिहार में भूखे प्यासे मर रहा है। सरकार नौकरी दे दिए जे हम रसोईया सको, हम खाने कमाने लायक नौकरी दे रहे हैं, हमको नौकरी दे दिए काम करने के लिए। रसोईया बहन भाई बहन सब तैयारी हो गए, ड्यूटी कर रहे हैं, हमको यही 1,650 से बाल बच्चा को पेट भर जाएगा, कैसे खाएंगे, कैसे कपड़ा पहनेंगे, क्या खाएंगे, बच्चा सबको कैसे पढ़ाएंगे, आए कैसे खाना खाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे,
नहीं सही से कपड़ा होता है, ना खाना होता है, ना सरफ होता है, ना साबुन होता है, ऐसे में कैसे होगा। एक महीना को सब्जी को ही पैसा नहीं पुर रहा, नहीं एगो चावल को बोरा हो रहा, 30 रुपये गेहूँ हो गया, कैसे खाएंगे। सरकार यही चावल गेहूँ मिल रहा था कोटा में, वही छुच्छे चावल भेज रहे हैं, कच्चा चावल कौन खाएगा। सब तो रसोईया बहन सब भूख मर रहा है, खाने के लिए तड़प रहा है, कैसे जिएगा, यही 1650 में जिएगा। नहीं किसी को कपड़ा देते हैं, एगो कपड़ा देते हैं जो लोग पहन के हम लोग ड्यूटी सही से नहीं कर चुकते हैं। सबसे बढ़िया हम लोग के 4 गो सारी साल में दीजिए, सारा रसोईया बहन को भाई को जो कपड़ा होता है से दीजिए, हम नहीं पहनेंगे, हम नहीं करेंगे ड्यूटी, हम लोग के अच्छा साड़ी दीजिए 4 गो साल में कम से कम, जो हम लोग पहन के रसोईया बहन सा ड्यूटी करेंगे। बोलते हैं साफ सफाई में आइए, कैसे आएंगे साफ सफाई में, यही 1650 में साफ सफाई में आएंगे, कैसे आएंगे। कम से कम हमको साल में 4 गो साड़ी चाहिए, तब ना आएंगे हम साफ सफाई में, यही 1650 में हमको क्या होगा। हम तो भूख मर रहे हैं, सारा रसोईया बहन भाई कुर्सी पर आप बैठ गए हैं, हुक्म जना रहे हैं जो रसोईया को हम ड्यूटी दिए हैं, साफ सफाई कीजिए, ये कीजिए। रसोईया को तो लगवे नहीं कर रहे हैं जो हम सरकार को नौकर हैं, लग रहे हैं क्या पब्लिक के नौकर है, मास्टर के नौकर है, मैडम को नौकर है, नौकर बना के हमको रखे हुए हैं। क्या हमको सरकार कभी खोजता है जो हाँ रसोईया को हम नौकरी दिए हैं तो हम कैसे ड्यूटी कर रहा है, कैसे हमको करा रहे हैं, आते हैं किनको भेजते हैं तो चेक कीजिए, खाना अच्छा से बन रहा है। कभी पूछते हैं जो मास्टर है मैडम जी अच्छा से बच्चा को पढ़ाता है कि नहीं, कुर्सी पर बैठ के हुकुम जलाते हैं। यही हम लोग के मांग पूरा करेगा 2,45,000 रसोईया को, वही उनको हम सरकार बनाएंगे ना तो कुर्सी पर से हम हटाएंगे, बिना हटाए हम नहीं छोड़ेंगे। 2023 चढ़ा ना हम लोग कभी नहीं बुझेंगे, बरसा नहीं बुझेंगे, ना ठंड बुझेंगे, ना गर्मी बुझेंगे, नहीं धूप बुझेंगे, मरना होगा मर जाएंगे, पटरी पर सुत रहेंगे। मगर हमारी नीतीश जी को एसपी यादव के सबको हम नीतीश जी को हम जैसे होंगे तैसे हम कि नहीं देंगे हम रसोईया सब को मांग, तो मरने के लिए तैयार है सारा रसोईया बहन रसोईया भाई सब, मगर लेके छोड़ेंगे हमको 1650 में पेट भरने के लिए नहीं है, राजी नहीं है। हम कहे पेट एगो बच्चा को पेट दूध के पैसा नहीं पुर रहा है, हमको सरकार नौकरी दिए यार क्या देते हैं। जो कभी बोलते हैं जो रसोईया को सब्जी दे दो दाल दे दो खाने के लिए, कुछ नहीं हमको स्कूल में मिलता है, सिर्फ 1650 रुपया से हमको पेट नहीं भरेगा। हम लोग मरने के लिए सारा रसोईया भाई बहन तैयार है, नौकरी दिए हैं तो हमको 18,000 मांग दीजिए। सब रसोईया दीदी है स्कूल में काम करने जाते हैं तो मास्टर लोग कहते हैं कि ये रसोईया कै बजे आए हैं, तो कहते हैं कि जे कै बजे हमसे पहले जाइए आप, 9 बजे जाना है ना तो 8:30 बजे जाइए, आ 8:30 बजे जाकर गेट खोलिए। हम लोग जाकर गेट खोलते हैं, झाड़ू बहारू करते हैं, साफ सफाई चूल्हा चौका करते हैं, कहीं कहीं भी तो गैस भी ना देते हैं मास्टर लोग, कहते हैं कि जे 1800 रुपया के गैस गैस भी नहीं देते हैं, जलावन पर हम लोग के खाना बनाना पड़ता है, जलावन पर खाना बनाते बनाते हम लोग के आँख अंधा हो जाएगा। मास्टर लोग क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कोई सो जाते हैं, कोई ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं, तो उसको कितना 55,000 चाहिए, 80,000, 90,000 चाहिए उनको वेतन, हम लोग के क्या वेतन है। हम लोग के 1600 में पेट भर जाएगा। देखिए नीतीश जी मोदी जी तेजस्वी जी, देखिए क्या आपको माँ बहन नहीं है, आपको माँ बहन के कहेंगे टोपिया उठाने के लिए 1500-1600 के महीना हम लोग देंगे मजदूरिए का को, तो आपको माँ बहन उठाएगी टोपिया, पूछिएगा माँ बहन से, आ नहीं तो हम ही लोग मजदूरी करेंगे तो 400-350 रुपया खेत में मजदूरी के मिलता है, हम लोग के कई रुपया मजदूरी देते हैं। शर्म नहीं है आप लोग के, शर्म से ना नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। कुर्सी पर बैठा दिए हैं तो जिम्मेदारी बुझते हैं क्या, जिम्मेदारी मत कीजिए। फिर मौका आ रहा है, 2023 आ गया है, कुर्सी पर से उतारेंगे हम ही लोग, समझे। आ नहीं तो ऐसा कहते हैं जो मोदी जी को हम जूता के माला पहनाएंगे, जहिया उनको वोट लेना होगा ना तहिया जूता के माला पहनाएंगे, जितना पुलिस है स्टाफ है सारा को जो भेजेंगे, कहेंगे मैडम खाना बना कर दीजिए ना सर लोग के, हम ही लोग के हाथ में ना है ड्यूटी, हम ही लोग करते हैं स्कूल में,
मोदी जी के तो पत्नी नहीं है, माए थी तो वो भी तो मर गई बेचारी। नया साल में मुबारक करते हैं उनको मोदी जी के, लेकिन फिर भी कहते हैं जे उनको पत्नी नहीं है तो दर्द भी नहीं है। अरे दूसरा को पत्नी के दर्द समझो ना, बाल बच्चा के दर्द समझो ना। आपको कुर्सी पर बैठा दे तो क्या समझ गए, सोच समझ लीजिए। या कम से कम हम लोग के 18,000 से कम नहीं वेतन कीजिए, 18,000 न लागू कीजिएगा तो अगला बार आएगा ना तो हम ही लोग आपको जूता के माला पहनाएंगे, देख लीजिएगा। समझ गए, न पहनाए तो मेरा नाम भी ना रसोईया है, 2.5 लाख रसोईया है, समझे। एकता हो जाएंगे ना तो नड़ी गुम कर देंगे आप लोग के, क्या समझ गए हैं, समझ के आ गए हैं। ठीक है, हम इतने बात को विराम करते हैं। हेलो, हम यहाँ से बोल रहे हैं, जो नीतीश सरकार को क्या यहाँ पर में जो जितने माँ बहन सभी आदमी को आप तो नौकर के नौकर समझ लिए हैं, क्या किसी का माँ बहन दुल्हन बन के घर में थी उसे बाहर निकाल दिए? क्या जो रसोईया का नौकरी में लगा दिए हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नौकरी में लगा दिए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको बच्चा तो भूख मर रहे हैं, उसको पास तो खाने के लिए है नहीं। आप 1600 का महीना देते हैं, 1600 का महीना में बच्चा पढ़ाएंगे या उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दिन में तो उनको 1500 रुपया एक दिन में लग जाता है। आप क्या देते हैं महीना महीना दिन में 1500 रुपया 1600 रुपया क्या देते हैं? भीख भी मांगेंगे तो उससे ज़्यादा मिल जाएगा, समझ गए ना। आप स्कूल में हम खाना बना कर को बच्चे लोग को खिला कर को, कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई पुलिस बन गया, हमारा बच्चा क्या कटोरा लेकर भीख मांगेगा? आपको भी नीतीश सरकार मन करता है कि जिस गली में कोई खारा नहीं होता है उस गली में उतार देना चाहिए, क्योंकि आप उस जगह पर में रहते तो अच्छा होता कि गली में जिस गली में बदबू लगेगा उस गली में आपको उतार दिया जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा क्या जो कैसे रहता है मजदूर लोग। तीन का काम करते हैं दूसरे के खेत में तो 300 रुपया होता है, आपके यहाँ 50-60 रुपया तक नहीं जुटता है। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल में हम 25 पैसा पर हम काम करते हैं, पता है आपको, 25 पैसा से हम 20 साल से काम कर रहे हैं। आजकल जो मास्टर लग गया है स्कूल में उसको 60,000 रुपया 70,000 रुपया देते हैं, हम 20 साल से काम करते हैं तो हमको 1600 रुपया मिलता है, क्या बताइए। हमारा पति मर चुका तो हमने भीख मांग कर को, चंदा मांग कर को, हम उन्हें गंगा जी में जाकर को उन्हें जलाया गया, उसको दान पड़ता के ले हम गांव से भिक्षा मांग कर को हमने उन्हें परवाह किए। आप क्या करते हैं, नीतीश सरकार बोलते हैं क्या जो हम उनको सरकारी नौकरी दे दिए? सुनिए नीतीश जी, हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं और हम लोग का 50 पैसा से ज्वाइन हुए हैं, उसके बाद 1000 किए हैं, वो 1000 से 1250 किए हैं, 1200 से 1550 किए हैं, 1500 से 1600, 1600 में हमको पेट भरेगा बाल बच्चा को? बताइए, आप ही बताइए। दो दो बच्चा, तीन तीन बच्चा, एक एक ठोका है पढ़ाने में लिखाने में, डॉक्टर कन जाता है तो एक एक बार में 5000 2000 3000 लगता है, हम कहाँ से कर पाएंगे उतना? आए अब बताइए, 2000 का बोलते हैं कि जे ये करिए वो करिए, आंगनबाड़ी को इतना बढ़ गया, हम लोग का कहाँ से कहाँ हो गए, आप लोग नहीं भेज तक रहे हैं पैसा। कम से कम 18,000 रुपया तो दीजिए, 18,000 नहीं दीजिएगा तो कम से कम मजदूरी को टाइप कर दीजिए, 300 का 350 का रोज़ हम लोग का जोड़ कर दीजिए, तब ना हम लोग का बाल बच्चा को पेट हो गया। कहाँ से कहाँ 30 रुपये गहूँ हो गया, 40 रुपये किलो चावल हो गया, बताइए हम लोग कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे हम लोग? हम लोग के जो इतना आज 2003 से खिचड़ी हम बना रहल बानी, एगो पैसा ना आशा में आशा देखा दे, अब बढ़ेगा पब्लिक का, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, बढ़बे ना करता। साला चार गो बेटी लेके पढ़ाना लिखाना उसको खियाना, अब बीमार पड़ गए तो स्कूल के छुट्टियों ना दे लो मास्टर साहब, क्या बना के जाइएगा? एक दिन हमारे बेटी के बिच्छी काट ले तो बना के जाइएगा, नहीं तो नहीं जाने देंगे। हम कहे अच्छा ठीक है हम बना के जाए, रुक जा लो। हमारे बेटी रोते रोते डॉक्टर कन गई, दोसर पब्लिक लेके गई,
लेकिन मास्टर छुट्टी ना दिलन। हम बना उना कैनी तो देखनी बेटी बैठल रहे आई सोलह तैयार रहे कितना चार आना पैसा, दू गो महिला के चार आना, दू महिला के आठ आना पैसा मिलत रहे। अखनी 1600 रुपया वाला, अखनी बेटी चार गो के पढ़ावा लिखावा शादियों होता आए, दोसर कोई गरीब उरीब देख के ब्याह करा देता लोग, आई का भेल नौकरी कह के, नौकरी कह के का फायदा, पब्लिक लोग कहे नौकरी करा छू स्कूल में का फायदा है 1600 में, ऐसे में तो खुरपी ठेल के खा लेम, बढ़िया खुरपी ठेल के खा लेम, आई 1600 से का हो के है, कुछ नहीं के हो, एगो सेंदूरो ना होता, एगो चूड़ियो हो जाता कि नहीं जाता तो 1600 बेटी सब मांगता तो मिलबो ना कर आँ ई मोदी हवन खाली आशा पर कह के आ कुछ ना दे छी आँ हमारे 1600 से 18000 से कर लेबे ना करम पैसा, हंसी लगता हमारे रो रो के खाना बना जाए स्कूल में, हंस त पब्लिक हंसन, पब्लिक हंस रहा कि भले हो खिचड़ी वाली है, खिचड़ी वाली के स्कूल से खाना ले जाए, स्कूल में एगो इतनी चावल ना कोई दे कहीं, स्कूल से खाना ले जाता है, दाल ले जाता है, चावल ले जाता है, जब स्कूल से आते तो हम लोग का चेक होता है, पब्लिक लोग चेक करते हैं, पब्लिक लोग चेक करता है, गमला उठा कर फेंक देता है नदी में, बताइए ये अच्छा काम है, नदी में फेंक देता है, चार गो लड़का भी लग जाता है, मरने भी पीटने लगता है, हम लोग गरीब हैं, महिला है तो क्या करेगा गरीब लोग, हम लोग चुपचाप मुँह बंद करके चला तनि घरे केकर से लड़ाई कर, हमारा बेटा भतर बरियारा की लड़ाई करे जाई पैसा वाला से। आए बोलो ना जे मन से, ए तो सालों का जिया बता से बोला ऐसे लग जाओ 1500 1600 रुपया देते उसमें क्या होगा, कम से कम हमको वेतन चाहिए 18000, इसमें पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता है, न खाने के पुरता है, न हकी महाजन पुर रहा है, कुछ भी नहीं पुर रहा है इतना पैसा में, आप लोग बैठे हैं गद्दी पर तो सोचे हैं जो सभी लोग तो मतबरे हैं, आप रसोईया में भर्ती कर दिए हैं तो क्या है, अब एक बार खोजते हैं जो रसोईया को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप एक बार खोज खबर नहीं कर रहे हैं, सरकार सरकार सोच रहे हैं जो हम तो पैसा दे रहे हैं यहाँ पैसा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक बार खोज खबर कुछ भी नहीं हो रहा है, आप आकर देखिए यहाँ जो क्या हो रहा है रसोईया के साथ है नहीं हो रहा है, ऐसे आप देखिए चेक इन करिए और वेतन देखिए बढ़ाइए, इसमें कोई कुछ भी नहीं होने वाला है, 1600 में क्या होगा, नहीं बच्चा को ट्यूशन पुर रहा है न स्कूल में, आप लोग बाथी मास्टर है तो पैसा कमा रहे उतना तो भर रहे हैं स्कूल में, बड़ा बड़ा स्कूल में बच्चा को पढ़ा रहे, हम लोग गरीब है तो सरकारी में पढ़ रहे हैं, उसमें सरकारी में भी नहीं पढ़ाई होता है ठीक से, न ट्यूशन में पैसा पुर रहा है, आप लोग बड़ा बड़ा सर जी है तो उसको बच्चा को पढ़ाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं, बीए बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, बिहार पुलिस बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं, हम लोग सरकारी में पढ़ रहे उसमें ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, तो हमको बच्चा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, आप लोग के यही कह रहे हैं सरकार से जो हमको वेतन बढ़ाइए और हमको लागू कीजिए पैसा को। हमको 1600 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 18000 रुपया लागू करना चाहिए, मतलब 1600 रुपया में मतलब बच्चा का पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पुरता है, कपड़ा लत्ता भोजन भाव कुछ नहीं मिलता है, हम लोग का मिलना चाहिए 1600 18000 से कम 12-13000 मिलना चाहिए। सल हम रसोईया बोल रहे हैं भुया थान से, अथी बोलते हैं कि 1600 रुपया में से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, आपको माँ मर गया तो 1000000 बांट दिए, सब कुछ कर दिया, हम लोग 1600 18000 रुपया कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, जय रसोईया जिंदाबाद, अरे अपने मांगे कैसे लेंगे, अरे अपने मांगे कैसे लेंगे, जय रसोईया एकता जिंदाबाद, अरे जोर जुलुम के टक्कर में, जोर जुलुम के टक्कर में, अरे अपने मांगे कैसे लेंगे,
अरे जो न माने बात से, उसको मारे लात से। अरे जो न माने बात से, उसको मारे लात से। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अपने मांगे कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपने मांगे कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। जो न माने बात से, उसको मारे लात से। जो न माने बात से, उसको मारे लात से। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया बहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश जी के तीन दवाई, और मिठाई। नीतीश जी के तीन दवाई, और मिठाई। नीतीश जी के तीन दवाई, और मिठाई। मोदी जी के तीन दवाई, और मिठाई। ई तो अभी अंग्राई है, आगे बहुत गहराई है। ई तो अभी अंग्राई है, आगे बहुत गहराई है। इनकलाब जिंदाबाद, जोर जुलुम के टक्कर में, जोर जुलुम के टक्कर में। अरे अपने मांगे कैसे लेंगे, अपने मांगे कैसे लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम भुवनेश्वर पासवान है, ग्राम पोस्ट राजजान के रसोईया हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7808-16-87-87। जो बिहार के रसोईया बहन है वो हमसे संपर्क करे, किसी भी प्रकार के दिक्कत हो उनको हम सुविधा दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, ग्राम तिसवारा, ब्लॉक मोड़वा। मेरा मोबाइल नंबर है 91-99-83-31-02। एक बार और, 91-99-83-31-02। इस नंबर पर किसी भी ढंग की हमारे रसोईया भाई बहन के साथ कठिनाई हो तो वो फौरन सूचित करें, हम लोग आके उसका निवारण बहुत हद तक करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम सोया देवी है, घर लोदीपुर नारायण, प्राथमिक विद्यालय की रसोईया है। मेरा नंबर 72-54-91-74-71 है। ई कोई भी रसोईया बहन भाई को दिक्कत है तो इस पर संपर्क करें, उसको रसोईया भाई बहन के कोई कष्ट हो उसको हम निवेदन करने के लिए तैयार है। एक नंबर और है 72-57-98-44-38, 72-57-98-44-38 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर संपर्क करें मेरे बिहार के रसोईया बहन भाई।